नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों 408 वैकेंसी लेकर आया हूं आपके लिए, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, 407 शेयर कर देना, एक अपने लिए रख लेना, शायद बाकियों के काम भी कुछ आ जाए। तो एक शेयर एक लाइक जरूर बनता है मेरे इंडिया के लिए। 407 वैकेंसियां शेयर करके एक अपने लिए जरूर रख लेना। चलो आज की वैकेंसी की बात करते हैं। तो ये है एफसीआई रिक्रूटमेंट 408 वैकेंसी जो मैंने आपको बताई। चलिए इसकी डिटेल हम जान लेते हैं। ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपको पता होगा ये फूड सप्लाई करती है, ये जो राशन के डिपो वगैरह होते हैं यहीं से जो तकरीबन है ये जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपको बता दूं। तो अभी जो लोकेशन होगी स्टार्टिंग में जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वो लखनऊ में होगी, रीजनल ऑफिस है इनका वहां पे। आपको बता दूं ये जो पेज मैंने ओपन किया है ये है हमारी वेबसाइट समझ आया क्या .in। ये जो लिंक मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप यहाँ पे विजिट कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसके बारे में डिटेल जानना जरूरी है, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये पोस्ट का नाम है वॉचमैन, एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। जॉब लोकेशन की बात करें तो लखनऊ, जैसा कि मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा लोकेशन लखनऊ की होगी, बाद में पोस्टिंग होती है या नहीं वो बाद में देखा जाएगा। अगर जॉब कैटेगरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, क्वालिफिकेशन मिनिमम 8वीं पास यानी कि 8th पास रखी गई है, 1/9/2017 के पहले पहले आपने पास हो जाना चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 साल है। रिलैक्सेशन एज पर रूल एंड गाइड जो आपको मिलती है वो मिलेगी। एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए। नो फीस फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर कोई एक्स सर्विसमैन है या फिर फीमेल कैंडिडेट है। ज्यादा जानकारी के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों इसकी लास्ट डेट 11 नवंबर 2017 है, स्टार्टिंग डेट 7 अक्टूबर 2017 है। चलिए तो ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। फिर से बता दूं ये जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे विजिट करेंगे। और भी गवर्नमेंट जॉब नीचे मैंने दी है वो भी जरूर देख लीजिएगा, जैसे बीएसएफ, सीएसएफ और कोस्ट गार्ड की है, तकरीबन आईटीबीपी की है, तो जरूर देखिएगा उनको भी। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं इस गवर्नमेंट जॉब की तो यहां से क्लिक करके कर लीजिएगा। अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे जैसे कि अभी मैं करने वाला हूं, ये देखिए यहां पे मैंने क्लिक किया तो कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन आपने यहां से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं करनी है, आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद न्यू यूजर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम पहली बार आए हैं इस वेबसाइट पे तो एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों ये मोबाइल नंबर यहाँ पे मुझे पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, 87160 ये मैंने दे दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये मुझसे मेरी ईमेल आईडी पूछ रहा है तो मैं मेल अपनी दे देता हूँ, आप अपनी जीमेल, याहू मेल जो भी आपके पास होगी वो जरूर दीजिएगा। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया है तो ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बट नॉट वेरीफाई, क्लिक हियर टू रीसेंड वेरिफिकेशन कोड। हाँ मैंने पहले किया था लेकिन मैंने किया नहीं, तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इन्होंने कहा है कि वेरिफिकेशन कोड जो है आपके मोबाइल नंबर पे हमने भेज दिया है, प्लीज लीजिएगा जो एक्टिव होगा। तो दोस्तों मेरा कोड है तकरीबन अभी जो आया लास्ट पे 12:43 AM पे 5638-2830। चलिए ये मैंने कोड एंटर कर दिया और सबमिट कर दिया है यहाँ पे मैंने, तो आप देख पा रहे हैं मेरी जो रजिस्ट्रेशन है ऑलमोस्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रिंट करने के लिए यहाँ पे और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। चलिए तो ये मुझसे पूछ रहा है कि पोस्ट है वॉचमैन की वो ऑलरेडी सिलेक्ट है। उसके बाद कैंडिडेट नेम है तो मैं यहाँ पे विवेक कुमार, यहाँ पे अपना बड़े अक्षरों में आप लोगों ने देना है अपना नाम, ठीक है। उसके बाद फादर नेम है, चलिए ये भी हम दे देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है मेल और डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछ रहा है तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूं अपनी डेट ऑफ बर्थ। हाँ ऑलमोस्ट तो हम देंगे यहाँ पे 95 की आज मैं बनूंगा यहाँ पे 95 और जनवरी और 1 तारीख, ठीक है। चलिए नेशनलिटी मेरी इंडियन है और मैं कैटेगरी जो है दोस्तों आज जर्नल में भरूंगा ताकि जिनको फीस में प्रॉब्लम आती है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मैं उनको अच्छे से बता सकूं। चलिए जर्नल में मैं आ गया। डोमिसाइल पूछ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का है मेरे पास तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, अगर आपके पास होगा तो यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहे हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, नहीं डिपार्टमेंटल होता है कि आप इसी स्टेट से सॉरी एफसीआई में पहले काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं कर रहा इसलिए मैंने नो कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट फॉर एज जेंडर वेरिफिकेशन के लिए आप क्या भेज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना दे दूंगा वोटर आईडी कार्ड। चलिए तो मैं एक अब उसकी फोटो जो है आपने स्कैन करके अपने पास रखनी है, मैक्सिमम उसका 256 KB का साइज उन्होंने जो मांगी हुई है वो जेपीजी में मांगी है। तो चलिए मैं आईडी प्रूफ के तौर पे यहाँ पे ये
ये हो गया। तो चलिए अपलोड पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहां पे ये मुझे बता रहा है ये सक्सेस हो गई है आईडी अपलोड। उसके बाद मुझसे ये पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जहां पे मैं एडमिट कार्ड या कुछ भी ये मुझे कॉन्टेक्ट कर सके वो एड्रेस होता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो मेरा सेम है तो मैं सिर्फ यही दूंगा, एक सिंपल छोटा सा लिख रहा हूं। आप प्लीज अपना जो भी आपका एड्रेस होगा वो कंप्लीट प्लीज लिखिएगा, ठीक है। तो तहसील में दे देता हूं जम्मू, बस। उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस होता है कि जो आपका होम है, जहां पे आपके घर है, डॉक्यूमेंटेशन पे क्या एड्रेस है वो एड्रेस, ठीक है। पोस्टल वगैरह में रहते हैं कहीं अभी करंटली तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस में दे दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मेरी जम्मू है जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जम्मू आ गई। उसके बाद ये अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये फोन नंबर है, मैं अभी मेरे पास ऐसा कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो दीजिए वरना नहीं। उसके बाद ये स्टेट है यहाँ पे तो मैं जम्मू एंड कश्मीर कर लेता हूँ, सॉरी। चलिए नेम ऑफ द एग्जाम है, ये मुझे पूछ रहा है कि आपने कब तक कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। तो मैं भैया दे देता हूँ यहाँ पे 10वीं पास ही सेकेंडरी, और पूछ रहा है यूनिवर्सिटी नेम क्या था, ठीक है। स्कूल का नाम भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, तो मैं सिर्फ अपने जो है बोर्ड का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, नथिंग एल्स। आप लेकिन सारा कंप्लीट प्लीज दीजिएगा, स्कूल का नाम आगे स्लैश डाल के जो भी है। चलिए मैं ये शिवा पब्लिक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने लिखा है पहले स्कूल तो फिर स्कूल का नाम, चलिए मैं आपको भी यार कहीं आपको भी कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। चलिए स्लैश डाल के दे दिया, आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी देंगे तो वैसा कुछ नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है। पासिंग ईयर पूछ रहे हैं तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कब पास की थी मैंने, 2008 में। चलिए ये हो गया, मेरा माउस थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। मैक्सिमम मार्क्स कह रहा है कितने, तो 500 में से आए थे, कितने आए मैं 400 दे देता हूँ, 80% बन गए। ये बोल रहे हैं कि अपलोड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, चलिए मैं ये यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया, ये भी जेपीजी में 256 का ही होगा और अपलोड कर दिया मैंने। चलिए तो पहले से स्कैन करके ये सब आप रख लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आर्मी नेवी कभी अप्लाई किया है या फिर, तो मैंने नहीं किया है। वो कहते हैं इफ अप्लाइड फॉर पोस्ट इन PHPW, नहीं मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं, ये PWD जो हैंडीकैप वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है एग्जाम सेंटर कहां पे लेना चाहेंगे, तो मैं फिलहाल जम्मू का तो मुझे ऑप्शन नहीं आएगा, गाजियाबाद में ले लेता हूं, और एग्जाम सेंटर दूसरा जो है गोरखपुर में ले लेता हूं, तीसरा जो है सीतापुर में ले लेता हूं। चलिए उसके बाद ये अपलोड फोटोग्राफ है तो यहाँ पे मैं अपनी फोटो जो है अपलोड कर देता हूँ, ये वाली 49KB की। ओहो इन्होंने कितनी मांगी थी, 50KB की मांगी हुई है। चलिए उसके बाद ये 30KB की सिग्नेचर है तो ये मैं 23KB के कर रहा हूँ, तो ये साइज देखकर ही आप अपलोड कीजिएगा प्लीज। चलिए ये हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देता हूँ। फिलहाल ये कुछ एरर आ गया, ये कह रहे हैं आधार कार्ड नंबर जो है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, या तो आधार नंबर दे दो या फिर आधार रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो चीज आप दे दो। फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो आपका जो अगर बना होगा या कुछ भी होगा तो प्लीज वो आप दे दीजिएगा ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए 1355 4567 8947, चलिए ये मैंने दे दिया और अब मैं क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देता हूँ। चलिए ये मेरा डेटा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है तो ठीक है, तो ये आईडी प्रूफ जो मैंने फोटो अपलोड की थी यहाँ पे। चलिए तो दोस्तों यहाँ पे अब मुझे पासवर्ड डालना है, पासवर्ड जो आपको कोड आया था ना वही है, आपको भी जो मोबाइल नंबर पे कोड आएगा आपने वही देना है। तो 5638 ये कुछ मेरा कोड था तो मैं इसी को यहाँ पे दे रहा हूँ और सबमिट करके देखता हूँ, ठीक है। जो आपको कोड आएगा मोबाइल पे वही आपका पासवर्ड होगा। तो ये देखिए मेरा डेटा सेव हो गया सक्सेसफुली। ये कह रहे हैं मेक पेमेंट, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देखते हैं पेमेंट का क्या प्रोसीजर है, जो SC ST वाले होंगे उनको पेमेंट के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे अब मुझे ये SBI के थ्रू यहाँ पे पेमेंट के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और प्रोसीड कर देता हूँ। चलिए उसके बाद ये पूछ रहा है स्टेट आपकी कौन सी है, उत्तर प्रदेश किसके लिए, मतलब ये जो अभी हमने अप्लाई किया है वो कहाँ पे है। तो ये लखनऊ की थी तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो यहीं के लिए मुझे फीस पे करनी है इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। उसके बाद गो, ठीक है, अपनी स्टेट मत सेलेक्ट कीजिएगा, जहां की ये वैकेंसी है फूड कॉर्पोरेशन की वहां की अपने स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये पेमेंट कैटेगरी है पूछ रहा है, तो एप्लीकेशन फीस लखनऊ मेरा आ गया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये मैंने कॉपी करके रखा था, इसको कॉपी में अब यहाँ पे मुझे ये यूज करना है। चलिए ये मैंने ये देखिए यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मेरा नाम जो था वो मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है।
उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ थी जो आपने पीछे दी थी, डेट ऑफ बर्थ वही आपको यहाँ पे देनी है, 1995 मैंने दी थी, और मंथ जो था जनवरी दिया था और एक तारीख मैंने दी थी। चलिए ये हो गई। उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर मैं दोबारा से 8716047308 दे दूंगा, ईमेल आईडी मैं वही दूंगा जो मेरी पीछे मैंने दी थी, आपकी मर्जी है अगर आप चेंज करके देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, redditmail.com। चलिए ये हो गई। उसके बाद ये रिमार्क है, मतलब दोबारा से आपको 300 जो है लिखना है यहाँ पे 300। चलिए उसके बाद ये पूछ रहा है नेम और डेट ऑफ बर्थ, दोबारा से ये मुझे एक बार कंफर्म करने के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूं दोबारा से 1995, और ये हो गया जनवरी और ये एक तारीख। दोस्तों उसके बाद ये नेम है, ये पूछ रहा है प्लीज एंटर योर नेम डेट ऑफ बर्थ, तो मेरा नेम जो था विवेक कुमार ही है। चलिए ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर, दोबारा से आपसे वही चीजें ये पूछना स्टार्ट हो गया है। चलिए उसके बाद ये कोड है CE5F&B, ठीक है। चलिए अब मैं ये यहाँ पे सबमिट कर देता हूं, देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे कह रहा है कंफर्म, जी हाँ कंफर्म। चलिए तो ये पूछ रहा है अब आपको इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर आपके पास एटीएम है स्टेट बैंक का तो यहां पे क्लिक कीजिए, अगर किसी और बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, तो यहां पे सेकंड नंबर पे क्लिक कीजिएगा, यहां से हो जाएगी। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो यहां पे, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग का तो फिर आप यहां पे क्लिक करेंगे। तो आप देख लीजिए इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी करना है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास एटीएम ही ऑलमोस्ट सबके पास है, तो मैं यहां पे अदर बैंक का डेबिट कार्ड जो है वो यूज करूंगा, एटीएम कार्ड, ठीक है। एटीएम कार्ड ही आपका डेबिट कार्ड ऑलमोस्ट माना जाता है तकरीबन, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्लिक किया, ये पूछ रहा है कार्ड टाइम, ये देखिए आपका होता है ना मास्टर कार्ड या कौन सा है, तो मास्टर कार्ड मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फिर कार्ड नंबर आपके आगे दिया होता है 12 डिजिट का, वो आपने देना है यहाँ पे। फिर कब वो एक्सपायर हो रहा है वो भी डेट आपको दी होती है। सीवीपी नंबर, ये देखिए यहाँ पे कुछ है ना 123, ये होता है सीवीपी नंबर आपका, ये आपने देना है। साइड पे आपको मिल जाएगा वो जो ब्लैक शीट होती है उसके पास। उसके बाद नेम ऑफ द कार्ड, अगर आपका नाम है कार्ड के ऊपर तो अपना नाम दीजिए, अगर आपका नाम नहीं है तो फिर बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वर्ड वेरिफिकेशन कीजिएगा और पे कर दीजिएगा। पे करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को आपने यहाँ पे कर डालना होता है तभी आपकी पेमेंट होती है। उसके बाद आपको जो एटीएम पिन होता है वो भी आपसे पूछेगा, तो वो चीजें आपने देखनी है, वो आप कर लीजिएगा। आई होप इतना तो आपको समझ आ ही हो गया होगा, हो सके तो प्लीज इस वीडियो को हर इंडियन के पास पहुंचा दीजिएगा। एक वैकेंसी अपने लिए रख लो, 407 भैया भारत के लिए बाकी दे दो। तो बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ बेल आइकन जो होता है जरूर दबाइएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर आप अपने लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं जिनकी लास्ट डेट नहीं हुई, तो आपने ये जो प्लेलिस्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है। हमारे चैनल के ऊपर विजिट करेंगे तो आपको एक सबसे ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक कीजिए। उसके अंदर करंट जॉब का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके अंदर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब जो होंगी वो मिल जाएंगी। बाकी अगर आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं फास्ट अपडेट के लिए, तो सिंपल फेसबुक पे जाइए और सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या।